हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी एक ऐसी रेसिपी जो सिंपल दाल राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अधिकतर बंगाली घरों में ये सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है, तो चलिए इसी की रेसिपी देख लेंगे। ये है पम्पकिन लिप्स, मतलब कद्दू की जो सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी, ये उसकी रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ कुछ वेजिटेबल मैंने चॉप करके रख लिए हैं। ये है आलू, बैगन और तुरई, इनको काट के साइड रख लिया है। यहाँ हल्का सा तेल गरम करेंगे और तेल में ऐड करेंगे तेज पत्ता, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और इनको हल्का सा सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे क्यूब्स में कटे हुए आलू। आलू को मीडियम फ्लेम पे थोड़े वक्त के लिए फ्राई कर लीजिए ताकि ये हल्का सा सुनहरा हो जाए, कलर चेंज कर ले। उसके बाद हम इसमें बैगन ऐड करेंगे और ब्रिंजल्स को भी अच्छी तरीके से हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। हरी सब्जी को अच्छी तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है और पम्पकिन की जो ये हरी सब्जी है ना, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। 2 से 3 बार पानी में धो लेने के बाद इनको निकाल के अच्छी तरीके से काट लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हम साइड निकाल के रख लेंगे। यहाँ देखिए बैगन ऐड कर लिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरीके से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तुरई, इसको बंगाली लोग झींगा भी कहते हैं। ये बहुत ही यम्मी इसकी सब्ज़ी बनती है, तो ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद हम हरी सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे। ये हरी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है इसकी सब्ज़ी, और इसमें ढेर सारे प्रोटीन विटामिंस पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके वहाँ भी ये सब्ज़ी आपको मिल जाए तो बिल्कुल घबराइए नहीं कि इसे कैसे बनाना है, बिल्कुल इसी प्रोसेस में बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरी सब्ज़ी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे ही रख कर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, और पानी को हल्का गर्म होने तक इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। और जैसा ही पहला बॉयल आ जाएगा, मीडियम फ्लेम पे कवर करके हम थोड़े वक्त के लिए इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली है। इसी से ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो जाता है। अब सब्ज़ी हल्की सी थिक करने के लिए मैं यहाँ आपको एक बहुत अच्छा सुझाव देती हूँ। ज़रा सा आलू लीजिए और आलू को इस तरीके से मैश कर लीजिए, और इस मैश किए हुए आलू को आप ग्रेवी में ऐड कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सब्ज़ी भी हल्की सी गाढ़ी हो जाती है, जिससे उसका जो स्वाद है वो दुगुना बढ़ जाता है। अगर आपको मार्केट में कहीं भी पम्पकिन की ये हरी सब्ज़ी मिल जाए तो प्लीज़ ज़रूर घर लेके आइए और इसी तरीके से इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिए। दाल राइस के साथ ये इतनी अच्छी लगती है, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं हल्का सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लीजिए और इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारे वेजिटेबल अच्छी तरीके से बॉयल नहीं हो जाते हैं और ये जो ग्रेवी है वो हल्की ड्राई नहीं हो जाती है। आप चाहें तो इसे ग्रेवी के साथ ही रखिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हल्का सा सुखा लीजिए तो ये और मज़ेदार हो जाएगा। तो आज की रेसिपी आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी है। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये मिलेंगे अगले किसी खास वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।